अब माओ को बच्चों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की पसंदीदा रेसिपी। एक बार इसे बनाएं, फिर स्टोर करें और पूरा महीना बच्चों की टेंशन खत्म। बहुत सस्ती रेसिपी है, फटाफट से बन जाती है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 2 से 3 अदद उबले हुए आलू कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच मैदा, 1 चम्मच बेसन, 1 ही चम्मच नमक, टेस्ट और हाजमे के लिए थोड़ा सा धनिया पाउडर। ज्यादा मसाले हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी सिर्फ बच्चों के लिए है। वैसे तो ये इतने मजे के बनते हैं कि बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इसको आटे की तरह गूंध लेना है। गूंधते वक्त इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे ऑयल। अब हम इसको बॉल से बाहर निकालकर हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस करेंगे और अब इसको अच्छे से बेलकर पतला कर देंगे। आलू नरम होते हैं, इसलिए ये बहुत जल्दी पतला हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेल लेना है। अब इस तरह से एक कटर की मदद से इसको काटेंगे। आप चाहें तो इसको किसी बर्तन की मदद से भी कट कर सकती हैं। ये देखें, बहुत आसान है। आलू के एक्स्ट्रा आटे को अब हम हटा देंगे। अब हम छोटे साइज के कटर से इसको कट कर लेंगे। दरमियान से एक्स्ट्रा आटे को इस तरह से हटा देंगे। ये देखें, फ्राई करने के लिए ये रिंग रेडी है। एक बार फिर से आपको रिंग बनाकर दिखाती हूँ। आप चाहें तो इस तरह से आलू के रिंग बनाकर पूरे महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। और अब हम इन रिंग्स को फ्राई कर लेते हैं। किसी भी पैन में शामिल करेंगे ऑयल। इनकी शेप बरकरार रखने के लिए इस तरह से चम्मच के ऊपर रखकर इनको फ्राई करें। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट रिंग के पकोड़े बन रहे हैं। स्टोर किए हुए रिंग्स को आप हाथ की मदद से भी ऑयल में शामिल कर सकते हैं। रिंग्स को हम हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड्स को चेंज करते रहिए। माशाल्लाह, ये देखें कितने जबरदस्त रिंग वाले पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।